गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तुलसीदास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है परमात्मा की, मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अप्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सत्ता सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे, फिर पूछते थे कि भी भगवान कैसा है, ये परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है, तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था, हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है, उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बतावे हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग कर और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आपका जीवन नाश हो रहा है, और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी
चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ इतना ज्ञान देखकर प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो है मूड ठोठ बिना अकल के, और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोनी, वो वहीं उन वहीं मरे रहो, फिर क्या इलाज है उनका, इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूड मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तज। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो साची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा है, कहां बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भी तेरे को सच्ची लगती होगी तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तज और करे झूठते ने ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। इसे दुष्ट के दर्शन में नहीं करे, सोपने में भी जानबूझ कर, किस लिए, सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कलगदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारा कड़मा लठ कुमार डायमंड का बोरा कबर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे, अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ, आओ मान बढ़ाई क्या है। अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है, डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना, उसमें के कौन बड़ा कौन छोटा, डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र है, जो आज तक ना ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, वो दास के पास उपलब्ध। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।